everyone, welcome back to our channel Ocean of Dentistry. Today we are going to start with a new topic, that is trigeminal neuralgia. So as we have earlier discussed in detail about the different topics, and all the topic have been summarized in a very simplified manner by our team. So today in this topic, that is trigeminal neuralgia. See, from the name it is very clear that trigeminal means there is about the fifth nerve, trigeminal nerve, and then neuralgia, nerves disorder, okay, means there is something problem in the trigeminal nerves. This trigeminal neuralgia is also called as tic dorsalex. Why this tic dorsalex? This tic dorsalex means painful jerking. Then this disease is also called as Fothergill's disease. Why this Fothergill's disease it is called? Just because it was given by the John Fothergill. This disease is also known as trifacial neuralgia, means ऐसा डिसऑर्डर जो कि ट्राइजेमाइनल नर्व के कोर्स के अलोंग अगर हो प्रॉब्लम, तो वो फेस पे डिसऑर्डर कॉज करता हो, पेन कॉज करता हो. एंड फ्रॉम द डेफिनेशन इट इज वेरी क्लियर दैट ट्राइजेमाइनल न्यूरल्जिया इज अ सडन यूजुअली यूनिलेटरल सीवियर ब्रीफ स्टैबिंग लैंसिनेटिंग रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ पेन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन और मोर ब्रांचेज ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व. आप सब सोच रहे हो कि सर आपने क्या बक दिया, ये कुछ भी नहीं है. ट्राइजेमाइनल न्यूरेल्जिया जो होता है वो एक सडन टाइप का, बहुत सडनली कोई ऐसा पेन शुरू हो जाए जो कि यूजुअली यूनिलेटरल होता है, बट इट कैन बी बाइलेटरल आल्सो. सीवियर होता है, बहुत ज्यादा फास्ट होता है, बहुत तेज होता है, बहुत आक्रामक टाइप का होता है, बहुत सीवियर पेन होता है. एंड इट इज ऑफ ब्रीफ ड्यूरेशन, फ्यू सेकेंड्स टू फ्यू मिनट्स तक ये पेन रहता है. और इस पेन के वजह से पेशेंट अपने आप को मारने का सोच लेता है, समटाइम्स सुसाइडल एक्टिविटी करता है पेशेंट. स्टैबिंग टाइप ऑफ पेन, छुरा भोंकने जैसा पेन, कुछ चीज घोंप दिया है उस टाइप का पेन पेशेंट को होने लगता है. पेन इज लैंसिनेटिंग टाइप ऑफ पेन, बहुत तीव्र टाइप का पेन होता है, बहुत फास्ट पेन, बहुत हार्ड पेन होता है. पेशेंट अपने क्लिंच कर लेता है माउथ को इस पेन में, ये सब क्लिनिकल फीचर है. The pain is recurrent episodes of pain. Means pain होगा, फिर कुछ देर के लिए रुक जाएगा, फिर एकाएक पेन होगा पेशेंट को, ठीक है. इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन और मोर ब्रांचेज ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व. अब आप डायग्राम में देखो कि ट्राइजेमाइनल नर्व जैसे ही अपना कोर्स देता है, तीन ब्रांचेस मेन होते हैं, ऑप्थैल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर. वही मैं यहां डिस्कस किया हूं आपसे कि तीनों ब्रांच में कौन से ब्रांच को कितना ये इन्वॉल्व करता है. तो सबसे ज्यादा मैक्सिलरी को इन्वॉल्व करता है एंड मैंडिबुलर को इन्वॉल्व करता है. देन ये ऑप्थैल्मिक को 16% केसेस में इन्वॉल्व कर लेता है. अब आप बोलोगे कि सर ठीक है, ये ट्राइजेमाइनल नर्व जो है वो बहुत ज्यादा पेन कॉज करता है, बहुत ज्यादा लैंसिनेटिंग टाइप ऑफ पेन होता है, स्टैबिंग टाइप ऑफ पेन होता है, तो सर इसका एटियोलॉजी क्या है, ये क्यों हुआ, पैथोजेनेसिस क्या है, सर इसका क्लिनिकल फीचर, मेरे पास कोई पेशेंट आएगा तो मैं कैसे पहचानूंगा कि ये ट्राइजेमाइनल न्यूरल्जिया का केस है. तो देखो सबसे पहले एटियोलॉजी. एटियोलॉजी दो पार्ट में बात करते हैं. सबसे पहला कि सीएनएस पे क्या है, सेंट्रल पॉइंट से क्या प्रॉब्लम है, और एक इंट्रा ओरल क्या प्रॉब्लम है. सी, जो इंट्रा क्रैनियल है प्रॉब्लम या फिर सेंट्रल पॉइंट से जो प्रॉब्लम है, इट इज कि जब ये नर्व रूट चलता है, देखो ये पॉन्स मेडुला हो गया, तो पॉन्स के अपर पार्ट से ये नर्व रूट एराइज हुआ, ब्लैक कलर से जो मैंने आपको शो किया है, ये पॉन्स के अपर पार्ट से एराइज हुआ है. अब देखो होता क्या है, सुपीरियर सेरिब्रलर आर्टरी का एक कोर्स वहां से रन कर रहा होता है. अब सुपीरियर सेरिब्रलर आर्टरी को अपवार्डली जाना है राइट साइड वाले को, और लेफ्ट साइड वाले को भी जाना है अपने कोर्स के लॉन्ग. क्या हुआ कि सिंस इट हैज टू गो अपवार्ड, अब इसने क्या किया कि इस मान लो कि मुझे ये ऐसे अपवार्ड जाना है, अब मैं अपवार्ड ना जा करके मैंने एक बेंड ले लिया, मतलब सिंस सेरिब्रलर आर्टरी, सुपीरियर सेरिब्रलर आर्टरी ने क्या किया, एक बेंड ले लिया, और इस बेंड की वजह से उसने ट्राइजेमाइनल नर्व के रूट को कंप्रेस करना शुरू कर दिया. अब जब एक ट्राइजेमाइनल नर्व को पॉन्स के लेवल पे ही अगर उसके न्यूक्लियस को कोई कंप्रेस करने लगे, उसके कोर्स को कंप्रेस करने लगे, तो क्या होगा कि वहां से
तीनों डिवीजन अफेक्टेड होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? सेम यही चीज है। तो सबसे जो कॉमन इटियोलॉजी है वो है सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी का बेंडिंग दैट लीड टू द कंप्रेशन ऑफ द नर्व। देन उसके बाद है, अब ये कंप्रेशन और भी रीजन से हो सकता है कि कोई ट्यूमर है, पेशेंट को ट्यूमर है तो इसकी वजह से भी ये हो सकता है। देन मल्टीपल स्क्लेरोसिस है या फिर ट्राइजेमाइनल नर्व के रूट में ट्रॉमा हो गया है। इसके अलावा डिमाइलिनेशन डिसऑर्डर है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। अब आ जाते हैं पैथोजेनेसिस। सी, मैंने पैथोजेनेसिस आपको ऐसे समझा दिया, बट एक बार किसान डिस्कस करते हैं कि सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी था, इट हैज टू गो अपवर्ड, बट when it was coursing to the upward direction, it changes its path and first it bent down and then upwardly it has moved. So it started pressing the nerve root. जब ये trigeminal nerve के root को compress करना शुरू कर देगा तो फिर some type of focal demyelination occur. आपको पता है कि nerves myelinated होते हैं, ठीक है? Axon, जब आप नर्व का जो स्ट्रक्चर पढ़ते हो उसमें माइलिनेशन का पॉइंट आपको पता है। तो यहाँ पे क्या हो कि फोकल पॉइंट पे एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर पे डीमाइलिनेशन हो गया, इसकी वजह से क्या हुआ, हाइपर एक्साइटेशन अब हो रहा है। अब जब हाइपर एक्साइटेशन हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा एक्शन पोटेंशियल, एक माइल्ड टच भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, और ये पॉइंट याद रखना, एक माइल्ड टच की बात मैं कर रहा हूं, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है। अब जब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है हाइपर एक्साइटेबल मेम्ब्रेन में, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि पेन हो रहा है पेशेंट को, और ये पेन बहुत स्टैबिंग, लैंसिनेटिंग, ये सब वर्ड लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपका ट्राइजेमाइनल नर्व आता है। तो अब आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर। सी, ट्राइजेमाइनल न्यूरेल्जिया या फिर कोई भी ओरल पैथोलॉजी, ओरल सर्जरी का सब्जेक्ट पढ़ते हो तो एक वे होता है आंसर लिखने का। इंट्रोडक्शन आपने लिखा, ऑल्सो नोन एज लिखा आपका, उसका दूसरा नाम आपने लिखा, डेफिनेशन लिख दिया आपने, आपने लिखा कि इटियोलॉजी क्या है, पैथोजेनेसिस क्या है। इसके बाद आप लिखोगे क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर में भी कुछ रूल हैं, जैसे कि ASS, मैंने आपके पुराने वीडियोज में आप मेरे देखना, वहां भी मैंने एज, सेक्स, साइट, ये तीन चीज पहले डिस्कस किया है। एज की बात करते हैं तो ये फोर्थ टू फिफ्थ डिकेड में ज्यादा होता है, मतलब एडल्ट्स में ज्यादा होता है। अब ऐसा क्यों, अब देखो मीन एज 50 to 58 ईयर्स है। सेक्स की बात करते हैं, फीमेल में ज्यादा होता है। जनरली जो टेंशन हेडेक होता है, माइग्रेन होता है, ये हेडेक वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये फीमेल्स में ज्यादा होता है, ठीक है? और जो साइट है ये यूनिलेटरली हमारे फेस को अफेक्ट करता है, एक साइड के फेस को अफेक्ट करता है, हेडेक होता है, फेशियल पेन होता है। ये इंसिडेंस की बात करते हैं तो बहुत कॉमन इंसिडेंस है, 4 in 1 lakh इंसिडेंस अगर बोला जाए तो बहुत कॉमन है। देखा जाए तो हर 1 lakh लोगों में चौथे पर्सन को ट्राइजेमाइनल न्यूरेल्जिया का केस आपको देखने को मिलेगा। अब सोक्रेट्स का एक रूल था, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये पॉइंट मैंने अपने स्टडी के बेसिस पे डाला कि सोक्रेट्स ने मैंने एक ट्रिक बनाया। सोक्रेट्स, एस फॉर साइट, साइट क्या है, फेसियल। ऑनसेट, कब ये ऑनसेट होता है, ऑन टचिंग द ट्रिगर जोन, विद इन फ्यू सेकेंड में ट्रिगर जोन आपसे डिस्कस करूंगा। तो ऑनसेट विल बी लैंसिनेटिंग, स्टैबिंग टाइप ऑफ पेन, एंड इट कैन occur any time in the day or night. See, the character of the pain. The character of the pain is very stabbing type, very severe, of the brief duration. और यहां से मैं clinical feature कवरिंग करते जा रहा हूं। Then radiation. Yes, the pain radiates. अब आपको क्या पता चलेगा, जब dental clinic में आपके पास patient आता है तो पेशेंट बोलेगा कि सर पेन हो रहा है, आप क्या करोगे, डेंटल चेकअप करोगे उसका, आपको लगेगा कि अच्छा दांत के पास पेन जा रहा है, इसका मतलब कुछ टूथ में प्रॉब्लम है, आप एक्सरे कराओगे कुछ नहीं निकलेगा पेशेंट का, ओके? तो रेडिएशन होता है, पेन रेडिएट करता है। देन ए फॉर एसोसिएट्स, क्या क्या एसोसिएशन हो सकता है इसके साथ में, इसके साथ हेडेक हो सकता है, इसके साथ माइग्रेन भी एसोसिएटेड हो जाता है। देन द टाइम कोर्स, किसी भी टाइम में हो जाता है, जनरली डे टाइम में ज्यादा होता है। ई फॉर एक्सक्रूवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर, कि ऐसा कौन सा फैक्टर जो एक्सक्रूवेट कर सकता है, तो ट्रिगर जोन का टच बहुत कॉमन फैक्टर है जो कि एक्सर्वेट कर देगा। और रिलीविंग फैक्टर क्या है, पेशेंट अपने आप को एक डार्क रूम में रखना पसंद करता है क्योंकि उसको बिल्कुल शांति चाहिए, अगर थोड़ा भी माइल्ड टच भी हुआ पेशेंट को, वो हाइपर एक्साइटेशन की वजह से पेन होना शुरू हो जाएगा। देन हाउ बैड इज द पेन इज वेरी बैड, इट इज वेरी सीवियर, लैंसिनेटिंग टाइप ऑफ पेन। अब मैं बात करता हूं क्लिनिकल फीचर।
जो क्लिनिकल फीचर है यूनिलेटरल होते हैं जनरली, बट इट कैन बी बाइलेटरल ऑल्सो. देन द पेन इज पैरॉक्सिज्मल. ओके, कि पेन पैरॉक्सिज्मल है, एक टाइम पे होता है फिर रुकता है फिर होता है. अब इसी चीज को पैरॉक्सिज्मल पेन को मैं समझाऊं तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, अर्ली अर्ली में क्या होता है कि पीरियड ऑफ एक्सर्शन होता है बहुत शॉर्ट, मतलब इनिशियल पेन माइल्ड होगा, फिर धीरे धीरे पीरियड ऑफ रिमिशन आएगा, बहुत लंबे टाइम तक नहीं होगा. जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस होगा, मतलब डिजीज जितना पुराना होगा, एक्सर्वेशन का टाइम बढ़ जाएगा, पेन का टाइमिंग बढ़ जाएगा, और पीरियड ऑफ रिमिशन जिस पीरियड में पेन नहीं होगा वो घट जाएगा. ठीक है, कम हो जाएगा. पेन इंटरमिटेंट है, पेन बहुत शार्प होता है, लैंसिनेटिंग, एक शॉक टाइप का पेन आएगा कि कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगा दिया पेशेंट को. देन मोशन लेस फेस हो जाएगा, फेस हो जाएगा, पेशेंट ना अपने फेस को ऐसे ऐसे घुमाना भी नहीं चाहेगा. क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जब मैं ऐसे ऐसे करूंगा ना, हल्का सा झोंका भी, एक हवा का झोंका भी ये पेन को एक्सर्वेट कर देगा. पेशेंट डरता है, पेशेंट एकदम ऐसे खड़ा कहीं भी दिखाई देगा. तो ये एक मोशन लेस फेस पेशेंट के अंदर में देखने को मिलेगा. आप डायग्राम में देखो कि फेस का वो स्ट्रक्चर मोशन लेस फेस. देन फ्यू सेकेंड टू फ्यू मिनट तक ये पेन रहेगा, पेन इलिसिटेड होगा टच के द्वारा, और रेयरली ही ये मिडलाइन को क्रॉस करता है. बहुत कम बाइलेटरल केस मिलता है. अब ट्रिगर जोन के बारे में मैं बात कर रहा था. ट्रिगर जोन वो पॉइंट होते हैं जहां से ये पेन ट्रिगर करता है. मान लो कि उस पॉइंट को मैंने टच किया तो पॉइंट की वजह से ट्रिगर हो जाएगा ये पेन. वाइवा में पूछा जाता है कि विच आर द ट्रिगर जोन ऑफ द ट्राइजेमाइनल नर्व, तो आपको बोलना पड़ेगा. देखो डायग्राम के थ्रू आप स्ट्रक्चर ये फेस पे देखो कि डायग्राम के थ्रू कौन कौन सा है. द अपर पार्ट ऑफ द आईलिड, वर्मिलियन बॉर्डर ऑफ द लिप्स, इससे रिलेटेड चीज है मैं अभी आपको बताने वाला हूं, नोज, देन द बकल म्यूकोसा. तो ये सब पॉइंट जो है ये ट्रिगर जोन होते हैं, इनको जैसे ही टच किया जाएगा पेन एक्सर्वेट करेगा. अब पेशेंट क्या करेगा, इन ट्रिगर जोन को छूने से डरेगा. पेशेंट के इन ट्रिगर जोन को छूने से क्यों डरता है, क्योंकि पेन इतना खतरनाक होता है आप इमेजिन नहीं कर सकते हो. पेशेंट सुसाइड का सोचता है. देयर इज नो एविडेंस ऑफ सेंसरी और मोटर इन्वॉल्वमेंट. सेंसरी और मोटर इन्वॉल्वमेंट का कोई एविडेंस अभी तक तो नहीं मिला है जितने रिसर्च पेपर आए हैं. पेशेंट पुअर ओरल हाइजीन. अब क्या करता है कि चूंकि इन ट्रिगर जोन्स की वजह से पेशेंट को क्या लगता है कि जब मैं ब्रश करता हूं ना पेन एकदम एक्सर्वेट कर रहा है, तो पेशेंट ब्रश करना छोड़ देता है. पेशेंट अपना पुअर ओरल हाइजीन मेंटेन कर पाता है, पुअर ओरल हाइजीन मेंटेन करता है मतलब पेशेंट अपना माउथ वॉश नहीं कर पाता है प्रॉपरली. पेशेंट अपने फेस को टच करने से डरता है. पेशेंट जो है वो अनसेव्ड रहता है, क्लीन सेव नहीं कर पाता है. पेशेंट अपना सेविंग नहीं कर पाता है क्योंकि पेन एक्सर्वेट होगा. पेशेंट बहुत टाइम क्लींच करता है माउथ को, इस टाइप से पेशेंट करने लगता है. क्यों? क्योंकि पेशेंट को लगता है कि बहुत सीवियर पेन है. पेशेंट को लगता है कि सुसाइड कर लूं. मेनी टाइम्स पेशेंट सुसाइड कर लेते हैं. ठीक है, तो ये हमारा पेन का कैरेक्टरिस्टिक्स है. जब क्लिनिकल फीचर हो जाता है तो डायग्नोसिस की बात आती है. डायग्नोसिस कैसे करोगे इन पेशेंट का? लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता दूं कि देखो फाइबर्स पेन का जो है आपको पता होना चाहिए कि पेन ए अल्फा फाइबर, ए बीटा फाइबर, ए डेल्टा फाइबर एंड सी फाइबर की वजह से होता है. ए डेल्टा ए अल्फा फाइबर बहुत ही माइलिनेटेड फाइबर होता है. जब जैसे ही हाइपर एक्साइटेशन इस पे पड़ा, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया, इलेक्ट्रॉन्स जनरेट किए, इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट किया. ये इलेक्ट्रिक इंपल्स ए से बी, बी से सी में गया और सी जो है वो पेन करता है क्योंकि ए डेल्टा फाइबर प्रोपियो रिसेप्शन करता है, टच पेन टेम्परेचर फाइन टच को भी गेस करता है. अब पेशेंट को पता होगा कि मैंने ये टच किया है ना अपना अपर आईलिड, वर्मिलियन बॉर्डर ऑफ लिप टच किया, नोज टच किया ना, इस वजह से ये हमारा एक्सर्वेट कर रहा है. और यही ट्रिगर पॉइंट क्यों बने, यही ट्रिगर जोन क्यों बने, क्योंकि ये वो एरिया है जिसको ट्राइजेमाइनल नर्व सप्लाई दे रहा है. ठीक है, ट्राइजेमाइनल नर्व को पहले देखना, उससे समझना बहुत इजी हो जाएगा. उसका वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है ऑलरेडी. इसके बाद डायग्नोसिस की बात करते हैं तो हिस्ट्री पेशेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद सीटी स्कैन, एमआरआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सीबीसीटी ऑफ द पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ क्लियर कट पिक्चर. और सीबीसीटी जो होगा वो कॉन्ट्रास्ट सीबीसीटी करवाना है पेशेंट का, क्योंकि उसमें सब कुछ क्लियर विजुअल होता है. अगर ट्यूमर है तो वो भी पता चल जाएगा. एमआरआई है तो कैसे, अगर कॉम्प्रेशन है किस पॉइंट पे कॉम्प्रेशन है, ये बहुत आराम से हमें पता चल जाएगा.
हिस्ट्री ले लिया आपने, डायग्नोसिस कर लिया, अब आपको पता चल गया कि ओके दिस इज ट्राइजेमाइनल नर्व। हां, डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या दे सकते हो पेशेंट का, इसमें क्लस्टर हेडेक, माइग्रेन, माइग्रेन जनरली डे टाइम में बढ़ता है और यूनिलेटरल होता है, उतना लैंसिनेटिंग टाइप ऑफ पेन नहीं होता है। बहुत बार पेशेंट कंफ्यूज होता है कि शायद माइग्रेन हो गया, बट दैट इज नॉट द माइग्रेन। ओके, उसके बाद आपको नॉर्मल हेडेक भी लगेगा, ठीक है, पेशेंट को सीजर अटैक भी आ सकते हैं। अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट पे। सी, ट्रीटमेंट में तीन मेथड ऑफ ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी आप फॉलो करोगे। आप मेरे स्क्रीन पे देखो कि आप तीन मेथोडोलॉजी ऑफ ट्रीटमेंट फॉलो करोगे। सबसे पहला जो मेथड होगा दैट विल बी द फार्माकोलॉजिकल। अब आपको एक बताऊं, बहुत क्लिनिक में पता करने का कि ओके ये ट्राइजेमाइनल नर्व का न्यूरेल्जिया है या नहीं है, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट है कि कार्बा में जेपाइन का एक इंजेक्शन उठाओ, पेशेंट को दो। यदि कार्बा में जेपाइन क्या होता है, एक सीडेटिव होता है, सीडेशन की वजह से अगर पेन कम हो रहा है, सेम लाइक द एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेसिया, सीडेटिव का आपको फार्माकोलॉजी में बताया गया होगा मोड ऑफ एक्शन, सोडियम चैनल को ब्लॉकेज करेगा जिसकी वजह से पेन का परसेप्शन कम होगा। तो पता कर लेना कि ओके कार्बा में जेपाइन से कंट्रोल हो रहा है, इसका मतलब ट्राइजेमाइनल न्यूरेल्जिया। इसके अलावा आप क्या करोगे, मेडिकल मैनेजमेंट सबसे पहले पेशेंट को दोगे। विंग ओरल सर्जन, आपको सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट पे सोचना ही चाहिए। डायरेक्ट सर्जरी किसी चीज का समाधान नहीं होता है, इट इज नॉट अ सॉल्यूशन, सर्जरी इज नॉट अ सॉल्यूशन। ओके, तो मेडिकल मैनेजमेंट में जाओगे कार्बामेजेपाइन, लोराजेपाइन, ये सब आप पेशेंट को दोगे, डाजीपाम दे दोगे पेशेंट को, एल्कोहल इंजेक्शन पेशेंट को देना पड़ता है। इसके अलावा मेडिकल मैनेजमेंट में आपको पेशेंट को काम करना पड़ेगा, पेशेंट को काम डाउन करना पड़ेगा, पेशेंट को माउथ वॉशेज आप बताओगे कि माउथ वॉशेज मेंटेन कीजिए क्योंकि पोरल हाइजीन मेंटेन हो रहा है आपका, माउथ वॉशेज आप यूज कीजिए। देन आओगे सर्जिकल पार्ट पे। सर्जिकल पार्ट पे आपको दो तीन पॉइंट ध्यान रखना है कि अल्कोहल का इंजेक्शन देना, ग्लिसरॉल इंजेक्शन देना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेशेंट को दिया जाता है टाइम टू टाइम, 6 महीने तक एक बार अगर अल्कोहल इंजेक्शन पेशेंट को दे दिया जाए तो उसको 6 महीने तक इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा यदि आप बात करते हो मेरे से तो मैं बताऊंगा कि पेशेंट को गैंग्लियोन में जो फिफ्थ नर्व न्यूक्लियस जो होती है वहां पे अगर आप पेशेंट को इंजेक्शन देते हो तो वो भी एक इन्वेसिव प्रोसीजर है, वो भी एक आप कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे अल्टरनेटिव सर्जिकल मेथड है जो कि मैं आपको एक चार्ट के फॉर्म में नोट्स में मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, बट मेन यही है ट्राइजेमाइनल नर्व के बारे में। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक न्यूज देना चाहता हूं कि बहुत कम टाइम में हमने 1K फॉलोअर और 1K व्यू हम अपने एक वीडियो लाइपोमा पे ऑब्टेन कर लिया हमने। क्योंकि बहुत नया चैनल है आपके लिए, एक न्यू चैनल पे विश्वास बिलीव करना आपके लिए बहुत टफ होता है। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, आपके लिए मैं वीडियो हमेशा बनाते रहूंगा और आपका सपोर्ट मुझे चाहिए इस चीज के लिए। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मैं अपलोड करता हूं हमेशा, तो आपको वहां से मिल जाएंगे। कोई भी क्वेरी होगा आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमारी टीम आपको एज सून एज पॉसिबल उसका रिप्लाई देगी। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द latest update from us. Thank you. That's all for today.